अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली ऑनलाइन मैंने एक वेबसाइट परचेज़ की जो कि मुझे $650 की पड़ी। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो दैट वाज अराउंड 1,60,000। और ये वेबसाइट अब जनरेट करती है 8,000 to 10,000 रुपीज़ पाकिस्तानी एवरी मंथ इन पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वेबसाइट्स में वैसे ही थ्रू आउट द ईयर हंट कर रहा होता हूँ और मेरी जर्नी से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब ये जो 8,000 to 10,000 रुपीज़ का मंथली प्रॉफिट मुझे आ रहा है, इसके थ्रू मैं 18 मंथ्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को कम्प्लीटली रिकवर कर लूँगा। उसके बाद ये जितनी इनकम जनरेट करेगी ये सब मेरे लिए प्रॉफिट होगा। और यही फ़ायदा होता है एक डिजिटल एसेट बनाने का जो आपको हर महीने पे करता है। इट्स जस्ट लाइक बाइंग अ प्रॉपर्टी बट इट्स ऑनलाइन। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट तरीके से वो मोनेटाइज होती है। जो वेबसाइट मैंने खरीदी है इट इज़ मोनेटाइज ऑन डिस्प्ले एड्स नेटवर्क। मतलब मेरी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट एड लोकेशंस हैं, एड स्लॉट्स हैं जहाँ पे गूगल के एड्स लगते हैं और इज़ोइक उसको बेसिकली एड्स मैनेजमेंट को कैटर करता है और मुझे मंथली मेरा रेवेन्यू शेयर दे रहा होता है। इस पूरी साइकिल के अंदर मुझे कोई काम नहीं करना वेबसाइट पर, मुझे वेबसाइट के ऊपर कोई एडिट नहीं करनी। ये इस पूरी साइकिल की, इस बिजनेस मॉडल की ब्यूटी है कि मुझे मिनिमम अपना टाइम देना और हर महीने मेरे पास 10,000 रुपये भी आ रहा है। अब मेरा एंड गोल ये है कि इवेंचुअली इन नेक्स्ट 5 years or 10 years मैं चाहता हूँ कि मेरी पोर्टफोलियो में इतनी वेबसाइट्स हों, इतनी पैसिव एसेट्स हों कि मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मुझे सिर्फ उनको मॉनिटर करना है, मुझे उनको सिर्फ मेंटेन करना है एंड दैट्स ऑल। बस मैं, मेरा टाइम फ्री है एंड दैट इज़ व्हाट आई एम फॉर। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक डिजिटल एसेट ऐसा बनाऊँ जो कि मुझे पैसिव इनकम जनरेट करे। समटाइम्स मैं उस बिज़नेस को बेच देता हूँ, समटाइम्स मैं किसी और के छोटे लेवल के बिज़नेस को ख़रीद लेता हूँ। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरीके से मैंने ये वेबसाइट परचेज़ की, मेरा क्या परचेज़ डिसीजन था, मैंने अपने लिए ड्यू डिलिजेंस कैसे की और मेरी जर्नी से आप कैसे सीख सकते हैं और आप सेम काम अपने लिए कैसे कर सकते हैं। रीज़न बिकॉज मैंने ये एसेट ईजिली ख़रीद लिया और ये सोच के ख़रीदा कि मेरा पैसा ज़ाया नहीं होगा। दैट वाज बिकॉज मुझे मेरा स्किल सेट इसमें है। मैंने इससे पहले अपने लिए स्क्रैच से वेबसाइट्स बिल्ड की हुई हैं तो मुझे पता है कि प्रीवियस ओनर ने कहाँ पे गलतियाँ की हुई। तो लेट्स डिस्कस द प्रोसेस, हुआ कैसे। मेरी अमूमन डेली ये रूटीन होती है कि हर हफ्ते में 2 to 3 days मैं इन्वेस्ट करता हूँ मार्केट प्लेसेस पे। मिसाल के तौर पे मोशन इन्वेस्ट, फ्लिपा और डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स हैं जहाँ पे वेबसाइट्स फॉर सेल होती हैं। तो उसमें से मैंने एक लिस्टिंग में देखा, अपनी वेबसाइट लिस्ट कर रहा था कि ही वांट्स टू सेल इट। तो उस वेबसाइट को मैंने गो थ्रू किया, उसको मैंने Ahrefs से स्कैन किया, SEMrush से गो थ्रू किया, उसके ट्रैफिक को देखा, उसका गूगल एनालिटिक्स का डेटा कम्प्लीटली देखा कि करंटली उसकी वेबसाइट कहाँ पे स्टैंड कर रही है। क्योंकि इस ईयर बहुत ज़्यादा गूगल ने कोर अपडेट्स किए हैं तो बहुत ज़्यादा लोग अपनी वेबसाइट्स बेच रहे हैं क्योंकि काफ़ी वेबसाइट्स इसमें क्रैश भी कर रही हैं। अब ये हमारे लिए या हम जैसे छोटे बायर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है छोटी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक अच्छी वेबसाइट गेन करनी। अगर मुझे ये चीज़ पता है कि जो प्रीवियस वेबसाइट सेलर है वो ये चीज़ गलत कर रहा था और मैं ये चीज़ फिक्स कर लूँ तो मोस्ट प्रॉबेबली आई मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। तो मुझे उस एसेट के अंदर हाथ डालना चाहिए। अगर मुझे पता ही नहीं है ख़रीदने के बाद क्या करना है तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू दिस। सो आई गॉट टू दिस साइट जिसमें मैंने देखा कि इस बंदे ने सारा काम अच्छा किया हुआ है। ही वॉज पैशनेट अबाउट द प्रोजेक्ट, फर्स्ट गुड पॉइंट। सेकंड, उसने सारा काम मैनुअली किया हुआ था, खुद लिखा था। ये पता कैसे चला? जब मैंने मैनुअली रिव्यू किया सारे कंटेंट को तो मुझे पता चला उसने इतनी बेसिक गलतियाँ की हुई हैं जो कि एक ह्यूमन राइटर जल्दी में लिखने में करता है। तो मैं समझ गया कि ये जो सेलर है इसने वेबसाइट बनाई अपनी 1 से 1.5 साल पहले, इसने जल्दी कंटेंट डालना शुरू किया, इसको सक्सेस भी मिला, इसका गूगल एक्सेंस भी मोनेटाइज हो गया, इज़ोइक भी मोनेटाइज हो गया। लेकिन क्योंकि इतने कम पैसे इनकी वेबसाइट बना रही थी इस वजह से उनके लिए ये ज़्यादा फीजिबल प्रोजेक्ट नहीं था कि ये और ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड करें। उसके अलावा जिस बंदे की ये वेबसाइट थी, जिस नीश में उन्होंने वेबसाइट बनाई थी, वो कम्प्लीटली रिलेट तक नहीं करते थे उस नीश से। इस वजह से उन्होंने उसको ड्रॉप करना चाहा। द नीश इज़ इन हेल्थ। और इससे पहले मैंने एक हेल्थ में सक्सेसफुल ब्लॉग बिल्ड करके सेल भी किया हुआ है US में। तो आई अंडरस्टैंड कि हेल्थ के अंदर क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन से फैक्टर्स की वजह से आपकी वेबसाइट पे सेशन ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, कम होता है, एंड सो वंस आई अंडरस्टूड द प्रोजेक्ट, अब आई नेगोशिएशन फेज कि मैं कैसे इससे नेगोशिएट करूं, इसको मैं किस तरीके से अपने बजट में लेके आऊं। क्योंकि इसकी लिस्टिंग प्राइस थी, व्हाट ही वाज आस्किंग फॉर वाज अराउंड आई गेस $1,200 to $1,500। $1,200 से $1,500 ये बंदा डिमांड कर रहा था, लेकिन ये $1,200 से $1,500 इसको दे देना वॉज नॉट इन माई रिस्क एपेटाइट। वाई हेस्ट? देखिए, हर इंसान की ना एक परचेजिंग पावर होती है और उसके साथ साथ एक रिस्क एपेटाइट भी होती है। मिसाल के तौर पे जस्ट बिकॉज मैं एक एसेट 10 लाख रुपए का खरीद सकता हूँ, मेरी परचेस पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 10 लाख का एसेट खरीद लूँगा। मैं देखूंगा कि उस 10 लाख रुपए में से कितने पैसे ऐसे हैं जो अगर मैं रिस्की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं गवा दूँ तो मेरी लाइफ स्टाइल पर, मेरी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मुझे खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। तो मैंने जैसे ये एड्रेस कर लिया कि 10 लाख में से अगर मैं 2 लाख रुपए का रिस्क लेता हूँ ना, तो ये 2 लाख रुपए वजह तुम गवा भी दो ना, तुम ज़ाया भी कर दो, अगर तुमसे कोई गलती भी हो जाए तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, मेरे अंदर से गवात है। तो मुझे पता चला कि भाई मेरा एक रिस्क एपेटाइट इतना है, मैं 2 लाख रुपए तक किसी रिस्की एसेट के ऊपर स्पेंड कर सकता हूँ। सेम चीज़ आपने करनी है, आपने सबसे पहले ये एड्रेस करना है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है और कितने फंड्स आप इस चीज़ में डाल सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी एनालाइज करना है कि आपका स्किल सेट क्या है। मैंने चेक किया, स्किल सेट गुड टू गो, रिस्क एपेटाइट गुड टू गो, लेकिन मुझे नेगोशिएट करना है। तो आई कॉन्टेक्टेड द सेलर इन द फर्स्ट प्लेस, मैंने उससे नेगोशिएट किया, भाई आप अपनी वेबसाइट बेच रहे हैं, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं ले लूँगा, आज ही मैं आपको पैसे दूंगा, यू गेट द पेमेंट और हम गो थ्रू कर लें। अब सेलर ने पहले तो मना किया, ऑब्वियसली उसने बोला भाई मैं इतने सस्ते में नहीं बेचना चाहता और ये है और मैंने इस पर इतनी मेहनत किया। मैंने बोला ठीक है आपकी बात, बट मेरी नज़र में आपके एसेट की वैल्यू ये है, अगर आप चाहें तो मैं इसको सिर्फ इतना बढ़ा सकता हूँ, ये मेरी परचेजिंग पावर के अंदर है। इफ़ यू आर विलिंग टू सेल इट आई विल ग्लैडली एक्सेप्ट योर वेबसाइट, मैं इसको खरीद के अपने पास आज ट्रांसफ़र कर लूँ। एंड वी स्टार्टेड द माइग्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले मैंने उसको टोकन सेंड किया विच वॉज $100, $100 का मैंने उसको टोकन सेंड किया, उसने मुझे वेबसाइट का बैकअप सेंड किया। देन जब मेरे पास वेबसाइट का बैकअप आ गया, मैंने उसको $100 और सेंड किए, उसने मुझे बेसिकली वेबसाइट की डोमेन अनलॉक करके दे दी मेरे लिए। अब मैंने अपने डोमेन रजिस्ट्रार से बात की कि इस डोमेन को मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दें, तो उसमें अराउंड 5 to 6 डेज़ लगे। जैसे ही डोमेन मेरे पास आ गया, मैंने बैकअप उसके साथ पैच कर दिया, मैंने उसके बाकी पेमेंट्स को रिलीज़ कर दिया और इस तरीके से अब मैं ओनर बन गया। अब मैंने वेबसाइट लेने के बाद क्या किया, आई स्टार्टेड फिक्सिंग दोज थिंग्स जो मुझे लगता है कि ख़राब थी। मिसाल के तौर पे मुझे लगता था कि यार यूज़र एक्सपीरियंस इसका बहुत ख़राब है, मैंने यूज़र एक्सपीरियंस फिक्स किया। मुझे लगता था ब्रांडिंग में उसने गलतियाँ की हुई थी, मैंने उसकी ब्रांडिंग फिक्स करना शुरू की। अब मैंने जाके देखा कि इसके टॉप 10 कौन से आर्टिकल्स हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लेके आते हैं, मैंने उसको एड्रेस किया। उन 10 आर्टिकल्स के कॉन्टेंट को मैंने कम्प्लीटली रीवैम्प करा। अब रीवैम्प करने में मैंने बहुत सारी जो उसका प्रीवियस कबाड़ था, जितना स्क्रैप्ड कंटेंट था वो मैंने सारा हटाया, उसकी जगह नया कंटेंट ऐड किया, कंटेंट की लेंथ इंक्रीज़ की, उसको थोड़ा और इंगेजिंग बनाया, उसके अंदर टेक्निकल एसईओ के जो मसले थे, ऑर्फन पेजेस थे, उसको फिक्स किया। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैंने इससे प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कवर की हुई हैं। एसईओ सीरीज़ आप देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आएंगी। जो बेसिकली मैंने डिस्कस किया था वही मैंने इस वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। जब मैंने परचेज़ की थी वेबसाइट, तब ये अराउंड 50 सेंट्स to $1 पर डे अर्न करती थी, और इतनी ऑप्टिमाइजेशंस के बाद, इज़ोइक पे लाने के बाद और अपने प्रीमियम अकाउंट पे लाने के बाद ये वेबसाइट पहुंच गई अराउंड $60 पर मंथ के ऊपर। इसमें से अगर मैं प्रीमियम की कॉस्ट हटा दूं तो भी ये $40 to $45 का मुझे प्रॉफिट मंथली दे रही है, और जो कि अराउंड 8 to 10,000 रुपीज़ पाकिस्तानी के अंदर अंदर रहता है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट है कंसिडरिंग कि मैंने 1.5 लाख रुपया खर्च किया, मुझे हर महीने 8,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा एसेट है मैं पाकिस्तान में खरीद सकता हूँ कि जिसमें मैं 1.5 लाख रुपए खर्च करूँ और मुझे 5,000 रुपये भी गारंटीड प्रॉफिट मिल रहा हूँ। आप बताएं, मुझे मेरी नज़र में ऐसा कोई एसेट नहीं था, ऐसी कोई प्रॉपर्टी मेरी नज़र में नहीं थी, और मुझे पता है कि मैं इसको ग्रो कर सकता हूँ, मुझे चीज़ें अच्छे से आती हैं, मैं इससे पहले ये करता हुआ हूँ, तो मेरा स्किल सेट इसमें है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑन वॉट थिंग्स आई नीड टू डू। तो इस तरीके से एक अच्छा एसेट है। सेम चीज़ आप भी कर सकते हैं, आप मोशन इन्वेस्ट, फ्लिपा और फिर कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर लें, उसमें जाके आप वेबसाइट्स देखें और उस हिसाब से आप उनको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे दूँ, 1 ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करना आपकी जिम्मेदारी है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है कि एक एसेट को अच्छे से तराशना, उसको देखना, उसके अंदर हर उसके इन्स एंड आउट्स को समझना कि कौन सी चीज़ें सेलर ने गलत की हुई हैं, कौन सी चीज़ें सही करी हुई हैं। कोई आप वेबसाइट ऐसे ही उठा लेते हैं जिसका स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा है, इट्स अ नो गो। अगर 301 रीडायरेक्ट्स हैं वहाँ पे, इट्स अ नो गो। आप कोई फजूल एसेट ना उठाएं, ड्यू डिलिजेंस अपना प्रॉपर्ली परफॉर्म करें, उसके बाद ही एक बिजनेस को खरीदें वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो थी इसके बारे में कि हाउ आई परचेस्ड अ वेबसाइट इन $660 or which makes me around $30 to $40 in profit per month. The whole motive of this video series is कि आपको भी पैसिव इनकम जनरेट करने की तरफ मैं वो चीज़ें सिखा सकूँ जो मैं सीख रहा हूँ। देखो कुछ ज़रूरी नहीं है, अगर तुम मुझसे कुछ सीख रहे हो, सीखना चाहते हो, दैट्स वेल एंड गुड। नहीं सीखना चाहते, अगर से ऐसे ही शुगल के लिए देख रहे हो तो भी ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सीख लो, बुराई नहीं है, हो सकता है कुछ पैसे आपके भी बन जाए, मेरे बन रहे हैं। मैंने बोला आपके लिए YouTube पर डाल लेता हूँ, हो सकता है किसी का भला हो जाए, किसी की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू क्रिएट हो जाए। होपफुली आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू इन वीडियोस से क्रिएट होगी। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।